तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं ना तो अभी रेडी हो चुका हूं और मुझे आज फिर से दोबारा जाना है भैया के पास, क्योंकि भैया से भाई मैं 3 से 4 दिन से बोल रहा हूं कि प्लीज चीज़ ले आओ, चीज़ ले आओ, चीज़ ले आओ। अब उनकी चीज़ यार अच्छी होती है, वो मुझे कहीं मिलती नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे ले लेता हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई दूसरा भी ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो मुझे कोई दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कोई दूसरी चीज़, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई अच्छा मुझे मिला तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा वो चीज़। तो गाइस यार, भैया ने तो गोली दे दिया आज, फिर उन्होंने यही बोला कि नहीं आया है चीज़ वाला, जो सामान वगैरह था चीज़ थी नहीं, क्योंकि तो ऑर्डर नहीं थे। मे बी ऑर्डर जब आते होंगे तभी वो मंगाते होंगे। तो यार ये तो गलत चीज़ें बताना चाहिए उनको ऐसा कि ऑर्डर आएंगे तभी मैं मंगाऊंगा, अदरवाइज नहीं मंगाऊंगा, तो मैं कहीं और से देख लेता फिर। चलो कोई नहीं, अब देखता हूँ, अभी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए यार वैसे भी। बाकी तो भी चीज़ वगैरह है, बाकी मैं कहीं सर्च करता हूँ कुछ मिलता है देन फिर आपको बताता हूँ। वैसे अभी हो चुका है थोड़ा मेरा वर्कआउट का टाइम, क्योंकि क्लाउड रीजन के साथ साथ थोड़ा फिट रहना भी ज़रूरी है, ये तो सबसे मेन होता है। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे? तो अभी मैं वर्कआउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। आओ, तो आज जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ वो करूँगा बाइसेप्स की, क्योंकि कल मैंने करा था शोल्डर का। डेली करता हूँ मैं अभी एक्सरसाइज, दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने। जिम तो देखो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि जिम का टाइम नहीं है, अब अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसके बीच में अगर ऑर्डर आएंगे तो मैं चला जाऊँगा बनाने के लिए, देन फिर दोबारा आके फिर दोबारा एक्सरसाइज करूँगा। अब क्या करें, यही टाइम टेबल है। मॉर्निंग में सोचता हूँ करने का, बट नींद नहीं खुलती है क्योंकि रात में तक लेट हो जाता हूँ इसीलिए। तो सबसे पहले मैं बाइसेप सभी करूँगा। पुशअप मैंने मार लिया है, डिप्स वगैरह पुशअप वगैरह मैं करता हूँ। क्लोज में करता हूँ ऐसे, जो कि इसको ट्राइंगल कहते हैं, एंड थोड़ा सा इसको वाइड करता हूँ, अंदर फिर वाइड बैक करता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा ये बाइसेप। अभी मेरे पास ये डंबल है, ये 10 kg के डंबल है मेरे पास, और इसके साथ ही साथ में मेरे पास ये भी है जिसको कहते हैं फोर आर्म्स के लिए होता है। फोर आर्म्स के एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा होता है इसके लिए, उसके लिए आप कर सकते हो। और बाकी बैंड वगैरह है, ये देखो बैंड भी है मेरे पास, ये लेके आता हूँ बैंड। ये डी कैथलॉन का बैंड है, उसका सबसे अच्छा लगता है मुझे, और सिर्फ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, चेस्ट हो गई, आपकी बैक हो गई, और ट्राइसेप वगैरह सब कुछ हो जाता है इससे। तो आओ पहले बाइसेप स्टार्ट करते हैं। तो बाइसेप के लिए सबसे पहले मैं करूँगा ये फ्रंट वाला, ये वाला फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है यार आप लोगों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, क्या होता है, तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज वगैरह। थोड़ा बहुत करना चाहिए यार, हल्का फुल्का भी करोगे तभी चल जाएगा, कोई नहीं। आधे घंटा थोड़ा टाइम निकाल के करो, हाफ एन आवर का सफिशियंट टाइम होता है, इतना तो अपनी बॉडी पर आपको देना ही चाहिए। चीज़ें लोग को देखता हूँ मैं, पूरे दिन एक ही दिन बैठे रहते हैं, थोड़ा काम वगैरह करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अभी थोड़ा मैंने सोचा है किट वगैरह लेने का भी, जिम का जो किट आता है पूरा, बेंच वगैरह होती है उसके ऊपर, बट अब देखते हैं। पर एक और फ्लोर बनाऊंगा अभी बाद में, अभी सोच रहे हैं, उसके बाद फिर जब सबसे ऊपर होगा उस पर मैं जिम बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहली मम्मी से बोल दिया कि भाई मुझे जिम बनाना है, मुझे जिम का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब होता है ना एक क्रेज होता है जो, वो है स्टार्टिंग से, मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ, बट बीच बीच छोड़ देता था। बट जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पर रेगुलर मैं मतलब जिम करता था, उसके बाद यहाँ पे बहुत घर वगैरह बनाना हो, ये सब बनाना हो, तो उसके बीच में छूट गई थी जिम, एंड देन दोबारा मैं स्टार्ट किया। जिम का मेरे को बहुत है, इसलिए मैंने देखो पूरा ये बैग लेके रखा है, पूरा बैग मेरा जिम का, इसके अंदर सारा सामान है, बेल्ट भी है और सब कुछ है इसमें, तो मुझे जिम का बहुत शौक है भाई। और साथ साथ में मैंने ये बॉटल भी रखी है, क्योंकि पानी पीना चाहिए, पानी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी यार 80% तो बॉडी पानी से ही बनी है। अभी थोड़ी सी मुझे एब्स की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हल्का फुल्का पेट मतलब फैट सा आ गया है। फैट इसलिए भी आया क्योंकि बैठा रहता था, पहले जॉब करता था उसमें पूरा वर्क फ्रॉम होम ही था मेरा, तो पूरे दिन तो बैठा ही रहता था लैपटॉप लेके बैठ गए, तो वही है बैठे 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 फैट आने लग जाता है। पहले फैट नहीं था, बट ये है मेरी बॉडी में सबसे अच्छी, हर किसी की बॉडी का मतलब अलग अलग होता है। मेरी बॉडी का ये है कि भाई मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो सारा बर्न कर देता हूँ, फैट अच्छे से पूरा बर्न हो जाता है। अभी टाइम नहीं मिल रहा था, दोबारा स्टार्ट किया मैंने अभी इस मंडे से ही, मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना। पुराने पिक्स देखोगे तब पता चलेगा आपको, फैट तो था ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसके बाद ना एकदम से ऑर्डर आ गया था, तो ये सॉस वगैरह सब खत्म हो गई है, तो फटाफट से फिल कर लेता हूँ, फिर तो पता चला दोबारा से ऑर्डर आ जाएगा। और ये बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे, देख लो भाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप पूछोगे, काफ़ी लोग आते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन सी सॉस यूज़ करते हैं। देखो ये है वीवा की सॉस, देख लेना आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सीधा कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, और यही मैं यूज़ करता हूँ आपका, जो कि आपका पिज़्ज़ा सॉस होता है। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, अच्छा है ये। वीवा का एक लेता हूँ मैं, और एक और भी है,
अभी तो कौन से डॉक्टर ओटिकर का, बट मुझे ये भी अच्छा लगा और वो भी दोनों अच्छा था। अब जो भी हमें यार अच्छा पड़ेगा प्राइस हम तो वो भी देखेंगे ना, क्योंकि अपने को तो क्लाउड किचन भी चलाना है सारा कुछ, मैं बिजनेस कर रहे हैं ये सब देखना पड़ता है। ये मैंने सॉस इसमें फिल कर दी है पूरी की पूरी, क्योंकि बीच में अगर ऑर्डर आ गया तो उस टाइम तो नहीं करूँगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। आप लोगों को पता है कि लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर, इसकी रबड़ कहाँ चली गई तो उसके बीच में ना एकदम से फिर हो नहीं पाता है। अभी ये जब हो जाएगा ना सारा किचन का काम तो थोड़ा मेरे को भी सही हो जाएगा यार, ये सब चीज़ें रखने में ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार ना ऐसे रबर बैंड लगा के रखना पड़ता है तो ये भी सही नहीं है। बाकी तो पूरा ऐसे किचन ऐसे भर गया है ना, अब क्या बोलूँ सामान से पूरा, जो भी मैं सामान लेके आया हूँ। अब ये वाइट चीज़ भी खत्म हो गई लिक्विड वाली, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप लोग पूछ रहे थे बार बार। तो देखो ये वाली ही मैं डाल रहा हूँ अभी आपके सामने, ये नहीं देखो डेलिको की है ये, क्या आप देख लेना इसके भी स्क्रीनशॉट लेके सीधा कर लेना। वैसे तो मैंने दिखाया था पिछले वाली वीडियो में आपको, बट अगर जिस जिसने नहीं देखा होगा तो अब दोबारा से आप देख लो। इसको चीज ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है चीज, ये चीज ड्रेसिंग है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लेंड वाले में और चीज ड्रेसिंग में, तो चीज ड्रेसिंग आपको लगानी है, ब्लेंड लगा दोगे तो भाई वो मेल्ट ही नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों। अभी एक मिनट उसको फिल कर लूँ पहले। हुआ क्या था ना कि गलती से मैं भी एक बार चीज ब्लेंड लेके आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं और गलती से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था चीज ब्लेंड का। अब मैं कह रहा कि मैंने पिज्जा में डाला, मैं कह रही यार मेल्टिंग नहीं हो रहा, मेल्टिंग नहीं हो रहा, तो वो चीज ब्लेंड कौन सा था, ये वाला देखो ये लिखा है ना इसके ऊपर चीज ब्लेंड, चीज ब्लेंड लिखा है, ये सीधा करके देख लेना। और देखो ये वीवा की है और देखो ये, देखो ये है ड्रेसिंग, दोनों में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम रहेगी आपको कलर में, तो वही फर्क है लिखने का। जो ये होती है ब्लेंड वाली वो हम यूज करते हैं बर्गर वगैरह इन सब में हम डालते हैं, और जो ये होती है ये हम जो लिक्विड ड्रेसिंग वाली होती है वही यूज करते हैं हम उसमें, आपका पिज्जा जो बनता है ना उसमें, पिज्जा मतलब उस पिज्जा में यूज करते हैं ये सारा, पिज्जा में यूज करते हैं हम ड्रेसिंग वाला, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है और वो दूसरा वाला अगर आप डालोगे तो मेल्ट ही नहीं होगा, फिर उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बोलोगे कि तो मेल्ट हो ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। ये सब चीजें ना कोई बताता है नहीं यार, मैं आपको बताता हूं तो समझा करो। तो बाकी ध्यान से लाना जब भी लोगे ड्रेसिंग लेके आना, कभी भी भाई ये मत लेके आना ब्लेंड वाला तो लेके मत आ जाना गलती से। अभी मैंने बॉक्सेस वगैरह भी रेडी कर दिए थे थोड़ी देर पहले ही किए मैंने, कि भाई एकदम से जब ऑर्डर आएगा तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा, खत्म हो गए थे। अब मुझे लगता है दोबारा से लेके आना ही पड़ेगा, ये भी थोड़े ही बचे अभी, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म ही हो जाएंगे, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। और मुझे इस बार के चिली फ्लेक्स देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है इस बार वाला चिली फ्लेक्स, और जो मैं लेके आता था पिछले बार वाला वो वीवा का था ये वाला, और मुझे भाई ये वाला चिली फ्लेक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है इस बार का, और प्राइस में भी बहुत सस्ता है। मतलब ये लगा लो कि मैं दोनों पैकेट्स को मिला दूं, मतलब ये वाला और एक मैंने आपका लिया था ये वाला इस बार का लिया है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बहुत ही सस्ता रेट पर पड़ता है, मतलब एक रुपए के आसपास ही पड़ता है यार ये कुछ, अच्छा लगा मुझे काफी है, आप लोग भी ट्राई करना अच्छा है। बाकी तो टमाटर का अच्छा वगैरह तो मैंने सब आपको दिखाई दिया था, चलो फटाफट से फिर थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी एक्सरसाइज बची है पेंडिंग है वो भी कर लूँ, नहीं तो फिर दोबारा कोई ऑर्डर आ जाएगा। तो चलो करता हूँ एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा, मैंने फिर आपके पास आता हूँ। तो चलो गाइस अब क्लोज करते हैं लाइट्स वगैरह, क्योंकि टाइम हो चुका है और काफ़ी लेट हो गया है, और अब मुझे जाना है वीडियो एडिट करने के लिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे है इंस्टाग्राम की आईडी तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके टाटा बाय।